हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द के इंडिया में। एसआई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये वीडियो ज़रूर देखें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द के इंडिया पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा एसआई का जो एग्ज़ाम होना है उसका सिलेबस। और ये जो सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है ये ऐसे ही नहीं कि कहीं से उठा के हमने रख दिया। पिछले जितने भी प्रीवियस एग्जाम हैं, जो अपना अभी पीछे एग्जाम हुआ है हरियाणा कॉन्स्टेबल का जो लीक हुआ है अभी, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सिलेबस मैंने लिखा है बोर्ड पे। तो ये मैं आपके सामने अभी बताना चाह रहा हूँ कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम एडवांस और टेक्निकल मैथ प्लस अर्थमेटिक मैथ सारे कवर करने जा रहे हैं। तो अभी जैसा आप देख रहे हैं एग्जाम में टाइम तो थोड़ा ही है, आज 9 या 10 तारीख हो गई में भी, तो अपने पास सिर्फ 15 दिन है। 15 दिन में हमने एडवांस मैथ जो है पूरा करना है। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं, बहन ऐसी है जिन्होंने मैथ पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, शायद उनको मेरे से बेटर पता हो, पर हम एक बच्चे को लेकर नहीं चलेंगे। जो भी जितने भी साथी मेरे को देख रहे हैं, सबका साथ चलने का हमारा मोटिव है। तो मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए सिलेबस बता देता हूँ। एडवांस और टेक्निकल मैथ जो हरियाणा एसआई के एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे। तो हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं, एडवांस मैथ प्लस टेक्निकल मैथ। तो टेक्निकल नाम सुनते ही काफ़ी जो मेरे भाई और बहन है वो घबरा ही जाते हैं, अभी टेक्निकल पता नहीं क्या टेक्निकल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो अर्थमेटिक पढ़ सकता है ना वो एडवांस इजली पढ़ सकता है, और जितना अर्थमेटिक वाइड है उतना एडवांस है भी नहीं। तो ये जो टॉपिक है ये बोर्ड पे आप देख रहे हैं, मे भी 14 टॉपिक है ये, इन्हीं में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको अपने एसआई के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देता हूं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने टॉपिक आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक प्रोबेबिलिटी जिसको आप प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में, ये चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, श्योर मिलेगा। और जो दूसरा पॉलीनोमियल्स बहुपद, इसके 4 से 5 टाइप है, मैंने ये चैप्टर अच्छे से देखा है, मैं आपको गाइड करूंगा, इसमें से भी एक क्वेश्चन 4 या 5 टाइप में से पक्का आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो टॉपिक है सेट्स, ये है अपने को बेसिक देखना है इसका, मे भी एक क्वेश्चन मिल जाए ना भी मिले, हम इसको एक 15-20 मिनट की वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। चौथा जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम सुनते ही बच्चे जो भाई और बहन है वो घबरा जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं क्या ट्रिग्नोमेट्री। जो बच्चा अर्थमेटिक पढ़ सकता है वो इजली ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक से बिल्कुल बेसिक उठाएगा, एसएससी बेसिक उठाता है, ज़्यादा एडवांस भी नहीं जाता। और जो छठा टॉपिक नंबर सिस्टम, ये काफ़ी बच्चे अर्थमेटिक में भी पढ़ते हैं और काफ़ी मेरे भाई बहन एडवांस में भी इसको देखते हैं। और जो सातवां चैप्टर अपना है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, पढ़ाने को तो इसको जो काफ़ी टीचर हैं अलग से भी पढ़ाते हैं और पढ़ाना भी चाहिए, बट इसका यूज प्रोबेबिलिटी के अंदर ही होता है। अगर एचएसएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो प्रोबेबिलिटी के अंदर ही परम्यूटेशन और कम्बिनेशन लगा के पूछा जाएगा। और आठवां जो चैप्टर है आपका मैट्रिक्स, इसमें बेसिक मैट्रिक्स आती है, बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल की मैट्रिक्स पूछेगा आपको, 2 मैट्रिक्स दे देगा, पूछेगा ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ये भी चैप्टर मैं आपको आधे घंटे की वीडियो में करवा दूंगा। और जो ये 9वां चैप्टर है अर्थमेटिक एपी एंड जीपी का, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन अपने को देखने को श्योरली मिलेगा। तो यहाँ पे कितने हो गए, एक प्रोबेबिलिटी से श्योर है, दूसरा पॉलीनोमियल से भी श्योर है क्वेश्चन, एक अपना अर्थमेटिक और ये एपी जीपी से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ज़्यादा वाइड आप अगर लेके चलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से भी अपने को एक क्वेश्चन इजली मिल जाएगा। अब हम आते हैं आगे, ये तो जो टॉपिक थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट लेके चलना, ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, जब तक ऐसा ही का एग्जाम होगा तब से उससे पहले पहले टॉपिक्स को हमने रट के जाना है,
ये नहीं कि इसमें हमने पीएचडी करनी है, पर ये है कि इनका बेसिक तो हमें देखना ही देखना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट में कौन कौन से आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काफी बच्चों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, इजी चैप्टर है, 40 से 45 मिनट के लेक्चर में इसको मैं करा के दूंगा आपको। इनइक्वालिटी, ये तो 90% ऐसे भाई और बहन मिलेंगे जिन्होंने इनइक्वालिटी नाम भी नहीं सुना होगा। और HSSC हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, जितने भी आप प्रीवियस एग्जाम उठाओगे ना, एक क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटी से देखने को मिलेगा। लिमिट एंड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, ये दोनों का एक ही मान के चलो आप। ये चैप्टर डेरिवेशन का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, पता नहीं कितना एडवांस है, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे हम, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पीएचडी नहीं करनी है इस पे। एक क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जो और जो लास्ट 40 वेक्टर, इसको पढ़ के जाना है, आता नहीं इसमें से क्वेश्चन, बट फिर भी हम पढ़ के जाएंगे, थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे 20 से 25 मिनट की वीडियो में, तो ये भी अपना चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो डेट है वो 9 या 10 हुई है, और हमारा मोटिव ये रहेगा कि 14 से 15 लेक्चर आपको ऐसे दिए जाए कि आपके जो एडवांस और टेक्निकल जो मैथ है, एडवांस और टेक्निकल, टेक्निकल जो मैथ है वो आपका 14 से 15 लेक्चर ऐसे कराए जाए कि अगर एडवांस और टेक्निकल मैथ से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो यहां से 4 या 5 क्वेश्चन आप इजीली कर पाओ। तो जितनी भी मेरे से कोशिश होगी, मेरे जितने भी भाई और बहन मुझे देख रहे हैं, मैं एग्जाम से पहले ही आपको 14 टॉपिक है, 12 से 13 टॉपिक इसमें से कवर करवा दूंगा, जिनमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चलिए अर्थमेटिक की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था एडवांस मैथ और टेक्निकल मैथ, अब हम थोड़ा सा अर्थमेटिक के लिए देख लेते हैं। अर्थमेटिक में जो अभी जो अपना हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ है, जो अभी कैंसिल हुआ है, पीछे 7 और 8 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो अर्थमेटिक का जो पोर्शन आया हुआ था, ये इन इन टॉपिक से अर्थमेटिक पूछा हुआ था। आप एक एक क्वेश्चन देख लेना, इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 2 शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उस दिन, 7 को 8 वाला तो हुआ ही नहीं, 7 अभी दोनों शिफ्टों में अर्थमेटिक पूछा हुआ था ओनली। बट जो अब हरियाणा पुलिस SI का एग्जाम होना है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है, पहले भी एडवांस पूछा है, और अभी भी 99% चांस है कि 4 से 5 क्वेश्चन अपने को एडवांस मैथ के मिलेंगे। एडवांस के साथ साथ हमें अर्थमेटिक भी देखना है, और 90% भाई और बहन ऐसे हैं जिन्होंने अर्थमेटिक मैथ पढ़ा हुआ है, तो हमारा ज़्यादा फोकस तो एडवांस पे ही रहेगा, पर थोड़ा साइड बाय साइड आप अर्थमेटिक को पढ़ते रहना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। हमारा मोटिव यही है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए। तो इसमें जो टोटल चैप्टर मैंने एनालाइज करे हैं, 8 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है अर्थमेटिक का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर आएंगे, जो जितने भी जो चैप्टर मैंने बताए हैं ना, अर्थमेटिक काफ़ी वाइड है, काफ़ी चैप्टर हैं इसमें, 5-4 चैप्टर और भी एड हो सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। और जो ये 8 जो चैप्टर है ना, ये हमें करने ही करने हैं। इनमें पहला चैप्टर है परसेंटेज, प्रतिशत। ये जो चैप्टर है हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, SI, कोई भी एग्जाम हो, SSC GT में भी एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज का देखने को मिलेगा। प्रॉफिट लॉस, दूसरा चैप्टर। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, तीसरा चैप्टर। एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर में मिलेंगे, जो पहले 4-5 चैप्टर है ना, जो कॉन्स्टेबल का एग्जाम है, 8 के 8 चैप्टर ऐसे के ऐसे रख दो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो चौथा है ट्रेन, हमेशा 5 साल पुराने एग्जाम कोई भी उठा के देख लेना, हरियाणा HSSC का, ट्रेन से एक क्वेश्चन पक्का आता है, रेलगाड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देखते भी हो, एग्जाम दिए हैं जिन्होंने। 5वां टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी चैप्टर काफी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना, एवरेज कॉस्ट,
ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा इसका पढ़ोगे तभी ये चैप्टर समझाएंगे। और जितना भी अर्थमेटिक जो चैप्टर ये है ना, परसेंटेज पे ही डिपेंड है पूरा अर्थमेटिक मैथ। परसेंटेज आप अकेला चैप्टर है, इस पे 2 से 3 दिन लगा देना, अर्थमेटिक में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और एक और आता है इसमें वो चैप्टर क्या कहते हैं अपना रेशो एंड प्रॉपर, वो रेशो का जो चैप्टर आता है ना वो भी परसेंटेज से ही जुड़ा होता है। लास्ट जो चैप्टर है अपना क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन अभी भी आया हुआ था। और आठवां जो चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें भी सी एक क्वेश्चन हमें अभी जो पुराना जो एग्जाम हुआ है 7 और 8 को एक क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिला है। तो अर्थमेटिक काफी वाइड है, जो जिन्होंने हवा बना रखा है कि एडवांस और टेक्निकल मैथ, एडवांस और जो टेक्निकल मैथ है वो काफी वाइड है, हमसे होता नहीं। तो एग्जाम से पहले इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से अगर 5 से 6 क्वेश्चन आ गए उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपके मैं ठीक करवा के दूंगा, अगर आपने थोड़ा भी बेसिक अगर आपने पढ़ लिया। और जो अर्थमेटिक है ये आप साथ साथ पढ़ते रहना, आगे कॉन्स्टेबल का एग्जाम आ रहा है, काफी मेरे भाई और बहन ऐसे हैं जो दोनों एग्जाम दे रहे हैं, जो हरियाणा एसआई का भी दे रहे हैं और कॉन्स्टेबल का भी दे रहे हैं, तो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है अर्थमेटिक। इसमें भी देखने को मिलेगा, कॉन्स्टेबल वाले में भी आपको अर्थमेटिक देखने को मिलेगा। पर अभी एसआई के लिए अर्थमेटिक लगभग सभी ने पढ़ चुके हैं, और जो मेरे भाई और बहन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लें इस वीडियो को, इन चैप्टर को थोड़ा सा सिलेबस देख के थोड़ा थोड़ा बेसिक इनका देख लेना। बाकी जो एडवांस और टेक्निकल है ये अपने यूट्यूब चैनल दा केन इंडिया इस नाम से आप सर्च करेंगे आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा। इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको ये एडवांस और टेक्निकल मैथ एग्जाम से पहले आपका जो बेसिक लेवल का एडवांस है थोड़ा सा डीप में चलेंगे, हमें हर एक चैप्टर में बेसिक से मिडिल एडवांस तक हम कवर करेंगे ताकि हमारे 4 से 5 क्वेश्चन इजीली ठीक हो जाए। और जिन्होंने सभी वीडियो अच्छे से देख लिया और अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 5 क्वेश्चन आ जाए, 6 आ जाए 7 आ जाए, 7 के 7 तो एडवांस मैथ का जो जो मैं कराऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। So, thanks for watching.